लेकिन बहुत बड़ा कामयाबी एक है कह सकते हैं, तो क्या करना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा और पहले खुद के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो आप जितने भी डिजिटल मीडिया के सहयोग रहा, जिसको हम आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिसपे कि आपका न्यूज, वो सारे पोर्टल न्यूज, यूट्यूब के न्यूज, जितने यूट्यूबर्स भाई हैं उनके न्यूज, और जो पर्सनली छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना के मेहनत करते हैं, जो हमारे गांव में जो बच्चे अच्छे डांस करते हैं, जो अच्छे बच्चियाँ डांस करती हैं, उन सभी लोगों ने इस गाने को, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 200 मिलियन की आज बात हो रही है, या आज जैसे कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार दुलार से 175 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है, तो सर 175 मिलियन ऐसे होता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले हर भोजपुरी भाषा सुनने वाले, जो भोजपुरी भाषा नहीं भी बोलते हैं शायद उनको भी अच्छा लगता होगा, तो सभी सुनने वालों को शुक्रिया। और मैं राकेश मिश्रा इस गाने का एक सिंगर होने के नाते आपका एक परिवार भी हूँ, और एक कलाकार का एक परिवार पूरा समाज होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके, ठेठ भोजपुरिया अंदाज में सबके पैर छू के प्रणाम करता नहीं, और वो सभी लोग के जिसे हम बतौनी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जे भी सहयोग कई लेबा, चाहे आप जैसे सभी मीडिया के तमाम भाई जो कि न्यूज बना के हमेशा डाले कि राकेश मिश्रा का ये सक्सेस वो सक्सेस, और जो भी स्नैक वीडियो के माध्यम से लेके इंस्टाग्राम रील से लेके हर वो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे सहयोग करे वाला सभी लोग के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बता दें कि यह गाना के साथ साथ, ठीक है, गाना के पीछे में एक और गाना हमार बहुत अच्छा खासा हमने बिहार यूपी में बाज रहा बा, ए राजा तूता जवान हम लैका, तो लगातार इतना सपोर्ट प्यार दुलार देवे खातिर आप सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी, दिनेश जी हो गए या खेसारी जी हो गए या पवन जी, सब म्यूजिक वीडियो के थ्रू ही एक इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और कामयाब हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसे आदर्श मानते हैं, किसके पद चिन्ह पे चलना चाहते हैं आप इन तीनों में से? सर, मेरे लिए किसी में से किसी को चुनना बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, कड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब में कुछ बेहतरीन है, तभी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आगे हैं, और आगे ही नहीं है वो आदर्श हैं हम सभी भोजपुरी परिवार के लिए, समाज के लिए, तो मैं सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मैं सबको अपना आदर्श मानता हूँ, सबको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और मुझे तो एक ही बात लगता है कि भोजपुरी में एक चाय पिलाने वाला स्पॉट बॉय से लेके और एक स्टार तक ये पूरा परिवार है, और बिना परिवार के सहयोग के आप आगे नहीं चलते। लेकिन काफ़ी द्वंद युद्ध भी होता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, भोजपुरी फिल्म की बात करें, गाने की बात करें, तो हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है किसने मेरा गाने को चोरी किया या कॉपी कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में, वो कितना गलत मानते हैं? सर देखिए, द्वंद होना, ये जो चीज़ें हैं जिसको आप बोलते हैं द्वंद होना, ये द्वंद नहीं है। कारण क्या है, हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री में दिन रात पसीना इसलिए बहा रहा है कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले, हम भी कुछ मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ें, बट इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि वो अगर आगे बढ़े, देखिए भगवान छीन ले समझ में आता है, बट रोजी रोटी अगर इंसान छीनने लगे, अगर कोई किसी को गाना को दबाने के लिए प्लान करने लगे, कोई किसी को पीछे में उसको सिनेमा से निकलवाने का प्लान करने लगे कोई, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ उसका काम है जिसने हमें पैदा किया है, तो जिसने हमें पैदा किया है आखिर उसके हाथ में है ही, उसको जब इच्छा करता है तब वो अपना खेला तिलकम दिखाई देता है, तो फिर हमें क्या जरूरत है, हम तो एक परिवार हैं, हम तो एक भाईचारा है, सब एक जीवन लेके आए हैं, कब कौन कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं है, तो जब इतना प्यारा सा जीवन मिला है तो हमें, आप देखिए ना सर, हमारे अलावा भी तो इंडस्ट्रीज है, हमारे अलावा भी तो इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी के अलावा साउथ है, हिंदी है, सब इंडस्ट्री में देखिए किसी हीरो की फिल्म चलती है तो एक बड़ा हीरो आते हैं, घड़ी सरप्राइज करते हैं, ब्रेसलेट सरप्राइज करते हैं, वो बोलते हैं, उनका पोस्ट करते हैं, और अच्छा आगे बढ़िए, बट हो सकता है, ये सबकी अपनी पर्सनल राय है, इसमें मैं कौन होता हूँ कोई बात कहने वाला, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये पूरा परिवार है। हाँ, उस कड़ी में मैं भी हो सकता हूँ और मैं भी हूँ कि अगर जब दुख तब होता है कि भाई मुझे पता चला कि आज ये काम मेरा था और कल सुबह पता चला कि मेरा नहीं है। तो राकेश जी, थोड़ा अपना अपने बारे में बताइए, शुरुआत का जो दौर था आपका अभिनय का और अभी तक का जो दौर है, और आगे जो आपका प्लानिंग है करियर को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या करना है? सर, मेरा दौर एक ही रहा और मुझे दूसरा कुछ नहीं समझ में आता है। मैं 2006 में पहला एल्बम रिलीज हुआ था, वो मुझे याद है, 2006 में पहला एल्बम मैं गाया था, बट गायन के क्षेत्र में मैं 2003 से ही हूँ, 3 या 2 से, उस टाइम मैं बच्चा था, 11-12 साल की एज होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर हूँ, आज भले आप लोग के आशीर्वाद से एक एक्टर भी हूँ,
इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ। और जीवन के संघर्ष में चाहे हालात कुछ भी हो गए, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है, क्योंकि हर इंसान देखता है, तो उसको बार बार मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग आजकल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि भाई ज्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो, भावना बटोरना चाहते हो। आजकल ये नया नया ड्रामा हो गया है ना भाई, लोग इंजीनियर भी तो हो गए हैं दिमाग के, वो आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पे भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि ऑलवेज माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट है, और माँ वैष्णो देवी महादेव जिसने पैदा किया है, और मेरे ब्लड में बस एक ही चीज़ है, वो है सरगम और संगीत, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरे मरने के दिन तक मेरे साथ रहे। राजा तनुजी जी, काफी 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 आक्रोश में लग रहे हैं आपका चेहरा वगैरह, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ कहना है आपको, लेकिन जुबा पर दर्द भरी बात नहीं आ रही है। आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया कि